हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अमित गुप्ता और ये मेरा पहला वीलॉग है और मैं जा रहा हूँ कश्मीर और मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पे। मेरी यहाँ से फ्लाइट है दिल्ली के लिए, 9 बजे की फ्लाइट है, 10 बजे मैं दिल्ली पहुँचूँगा और दिल्ली से 12 बजे की फ्लाइट है मेरी, 1 बजे मैं कश्मीर पहुँचूँगा। और कश्मीर में है मेरा शूट, मेरा एक एल्बम सॉन्ग आने वाला है तो कश्मीर की वादियों में मेरा एक शूट होने वाला है और इसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और ये मेरा फर्स्ट वीलॉग है, बहुत से लोग बोल रहे थे वीलॉग बनाओ वीलॉग बनाओ, मैं कहा क्यों ना मैं वीलॉग बनाना चालू कर दूँ। तो आई डोंट नो कैसा बनेगा वीलॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। और एक आप लोगों की सरप्राइज़ है जो मेरी को एक्टर है, जो मेरी एक्ट्रेस है, वो बिग बॉस फेम है। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, आप लोग गैस करते रहिए कौन हो सकती है वो, जो मुझे कश्मीर में मिलेगी, सीधे कश्मीर आ रही है वो। तो गाइस ऑन ऑल सेट फॉर बोर्डिंग, फ्लाइट है और ये नया तामझाम उन्होंने दिया हुआ है, फेस शील्ड भी लगाना है, मास्क भी लगाना है, बड़ा अजीब सा आपको दिखना है। और बीच वाली जो सीट में बैठे हैं उनको तो वो भी गाउन पहना दिया, खैर ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बीच में सीट नहीं थी वरना मेरे को गाउन पहनना पड़ता और वाइट कलर का मैं बड़ा अजीब सा दिख रहा होता। और आप देख रहे हैं कोरोना छोटा सा वायरस जो बिल्कुल दिखता भी नहीं है, उसने लोगों के मतलब क्या ही हालत कर दी है, मास्क फेस शील्ड और पता नहीं पूरे फैशन की मां बहन हो चुकी है आज के डेट में, लोग पता नहीं क्या क्या पहन रहे हैं रूम में। एक समय तक अब करते थे, अब डर किसी काम के नहीं बचे होंगे मेकअप और सब कुछ उन्हें। मैं पहुँच रहा हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर और यहाँ अभी बज रहा है 10:15, मेरी फ्लाइट है 12 बजे की और 1 बजे मैं पहुँचूँगा कश्मीर। सोचते रहो आज मैं किससे मिलने वाला हूँ कश्मीर में, कौन है वो बिग बॉस वाली। तो मैं सोच रही हूँ कॉकल ले लूँ अपने लिए, मैं कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला सर, ये दोनों सही है, थोड़ा इसमें रिफ्लेक्टर है, यहाँ ये रिफ्लेक्टर है, वो सॉलिड है। आपका फेस लेने और आप फेयर है तो सर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा। ये वाला कितने का है? 20,000। सही हो, डेट लगा लो यार, शायद डेट लगा 20,000 का चश्मा मैं पंच कर लूँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट चल नहीं रहा। अरे डिस्काउंट नहीं चल रहा तो चला दो सर, पहले हमारा होता था लेकिन अभी वो भी खत्म हो गया कोविड की वजह से, पहले हमारा 90% होता था। अरे कर दो यार अभी सर, अभी पॉसिबल नहीं, नहीं तो मैं कर देता। कौन सी कंपनी का ये? ये रोची का, ओके, और ये इसी ईयर का कलेक्शन ये आया है, अगस्त या सितंबर में लॉन्च हुआ है ये ऑफर, इसी का कलर एक ब्राउन और एक टी शर्ट कलर। ओके 20,000 कुछ कम नहीं करोगे? देखो गाइस ये लोग कम नहीं करते हैं एयरपोर्ट पे, ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं और इतना महंगा मिला दे रहा है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अगर ऑफर चल रहा होगा ना तो आपको ज़बरदस्ती ही देंगे, और अगर नहीं चल रहा होगा तो हमारे यहाँ तो होता नहीं। ठीक है भैया, मान ली आपकी बात, स्कैम करना होगा मैं। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ श्रेजर की फाइट करने, फाइनली मैं कश्मीर पहुंच चुका हूं और मैं बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा था मेरे पापा सुबह से बोल रहे हैं कि जैकेट लेके जाओ, तो मैंने कोई जैकेट वैकेट नहीं पहनी हो, यहाँ पे टेम्परेचर 3°C है जो ठीक है, अब ठंड अब लगना चालू हो गई है, मुझे लग रहा था कि मैं खुद आधी मतलब ठंड को झेल लूँगा मगर गलती हो गई। तो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड और देखो अभी क्या होता है, स्टार्टिंग तो बहुत ठंड ठंड हो रही है यहाँ पे, सबके सब जैकेट पहने और मैं अकेला बिना जैकेट के यहाँ पे ठंड में खड़खड़ाते हुए पछताते हुए श्रीनगर में बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है, तो चेकिंग नहीं हो रही है, कोरोना का पूरा डिटेल चेकअप कर रहे हैं लोग कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, जो अच्छा है सेफ्टी के लिए। सर्विस ये क्या चेक करोगे कभी, सुई भी लगाओगे क्या?
मत ना करो, नाक में करना है, नाक में करो ये भगवान। अच्छा एज क्या आपकी? ये कंपलसरी है, मत करो भाई, मत करो, मुझे नहीं करना आज ही। मैंने नंबर बताइए। गाइस मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे हूँ और सब लोग यहाँ पे कोरोना का चेकअप कर रहे हैं और आज मेरी नाक में पता नहीं क्या क्या डालेंगे ये लोग। खैर मैं भी डॉक्टर हूँ मगर चेकअप खुद का पहली बार कराऊंगा। अरे भगवान लीजिए भैया, डरा रहे हो आप। घर के आगे ड्यू है। नहीं भैया कहाँ जा रहे हो आपको वहाँ जा रहे हैं? भैया शॉर्टकट नहीं बाहर निकलेगा? मर गए। मुझे पता होता कि यहाँ पे ये लोग कोरोना टेस्ट करेंगे मेरा नाक में डाल डाल के, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। आज मेरा कोरोना टेस्ट होगा। हाँ जी भाई, ये बंद करो यार, ये हाई सिक्योरिटी जोन। अच्छा प्लीज नॉट दैट। मैं कोरोना टेस्ट का वीडियो बना दूँ बस? हाँ बना, कोई बात। आप ही करेंगे? भैया धीरे से डालना, हिलना नहीं भाई। अरे बाप रे गया अंदर। अरे आप मत करो, एक साइड डालना ना आपने। एक साइड से पूरा तो आना चाहिए ना। अरे बहुत अंदर गया, बहुत आ गया। हो गया भेज जाऊँ भोपाल? भाई इतना ही करना था जी? यहां नहीं चलेगा इसका, कुछ ऊपर से भैया गलती हो गई। मैं उसमें बैग में रखा, मैं पहनता हूँ। क्या हुआ? पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव हूँ भाई मैं। गाइस ये किसी ने बता दिया? थैंक यू। तो फाइनली मैं कोरोना नेगेटिव निकला और मैं श्रीनगर में हूँ अभी और इन लोगों ने मेरा टेस्ट कर लिया। मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे को लेने आया है कि नहीं आया। आने तो वाला था मगर दिख नहीं रहा है। गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ कश्मीर और ये है रूफी जी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और उन्होंने मेरे से बदले लिए। इन्होंने जो हमारी हीरोइन है, मैं नाम अभी नहीं बताऊँगा आप लोगों को, उसको अलग फ्लैट से बुलाया। इन्होंने जान मुझ के पता नहीं ऐसा क्यों किया मेरे साथ मगर इन्होंने किया है। मजे तो नहीं करते, मजे कहाँ लेने दिया हमने, इन्होंने दूर कर दिया। तो ये हमारे डायरेक्टर साहब जिसको आपको गैस करने को और सब लोग गलत गैस कर रहे थे, सब लोग जसलीन जसलीन कर रहे थे, वो जसलीन नहीं है, वो है सेक्सी थी। और ये है हमारे डायरेक्टर साहब, सुबह सुबह तैयार होकर बैठे हुए हैं।
और ये तैयारी चालू रखी इन्होंने शूटिंग के लिए। और ये है हाउस बोट में, बहुत ठंड है तो उसको गर्म करने के लिए कुछ सिस्टम है इनका, आग चल रही है। हाँ लकड़ी, अगर यहाँ पे लकड़ी खत्म हो गई तो यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ दे रखी हैं कि आप तोड़ तोड़ के डालते जाओ। अभी तो यहाँ पे बची हुई है, वरना हम ये सोफे कल परसों तक डाल देंगे अंदर। हमें लग रहा है इतनी ठंड है यहाँ पे। और एक बहुत ही सेक्सी सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारी लोकेशन है हाउस बोट से, जो ये हाउस बोट्स है यार बहुत ही सेक्सी है और बहुत ठंड है। और वो सामने पहाड़ी पे किला है रूपी जी, ये किला तो अभी भी धुंध में दिख ही नहीं रहा है, शूट में कैसे दिखेगा? लोकेश शर्मा। तो हम लोग हैं कश्मीर में और निकले हैं शूटिंग लोकेशन देखने, और ये है लोकेश। हाय। तो लोकेश का कहना है कि उसका वेट है 45 केजी, मुझे कहीं से दिख नहीं रही है। 52 कहाँ से? अच्छा गाइस आप लोग देख के बताओ, ये कम से कम 100 किलो की तो होगी। 100 किलो की लड़की और इसको मेरे को उठाना है, मैं पता नहीं सुन रहा हूँ कहाँ से उठाऊंगा इसको, कैसे उठाऊंगा। 100 केजी पता चलेगा कि ये क्या वर्कआउट करता है जिन्होंने। हाँ, अच्छा स्टैमिना देखने के लिए। तो प्रोटीन का डब्बा कहाँ गया? दिखाओ शटल दिखाओ गाइस, कहीं से दिख रही है आपको ये? मुझे 100 किलो से कम की बिल्कुल नहीं दिख रही थी। थाइस देख लो मेरी कमर और उसकी थाइस। वो हेलो लड़कियों की थाइस तो होती है सही। एक शॉप है, मैंने बोला है इन्हें कि वहाँ पे जाना है, और कोई बुढ़े अंकल को ना बहुत बुढ़े अंकल ना बुढ़े अंकल, अगर कोई बुढ़े अंकल होंगे ना, मैं यंग से करा रही वो फिर कुछ और ही बन जाएगा, तो कोई बुढ़े अंकल है ना उनके फेस पे जाके किस करना और बोलना वाओ अमेजिंग।